नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यही दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, क्राइम रिपोर्ट में हम देखने की सोचने की कोशिश करेंगे, आपको भी बताएंगे भाई दुबई जैसी एक छोटी सी कंट्री, इतनी डेवलप कंट्री जो पूरा सिस्टम कैमरे में, पूरी दुबई कैमरे में कैद है, उसके बावजूद लोगों की हिम्मत कैसी हो जाती है कि वो लोग चोरी चपारी किसी के साथ मारपीट करना, गलत करना, मगर लोगों की एक दूसरे को मतलब हत्या तक लोग कर देते हैं। जी हाँ, ऐसा लोग क्यों करते हैं पता नहीं। अभी हम बात करेंगे, दुबई में प्रवासी थे, जी हाँ साथी, उन्होंने बंदों के साथ ठगी करने की या लूटने की कोशिश करी, लूट के भाग भी गए। जी हाँ, डिटेल से बात करेंगे। एक अभी इंडियन को 15 साल की सजा हुई है। अब इंडियन है पाकिस्तानी है, पता नहीं, एशियन लिखा हुआ, अब एशियन इंडियन है पाकिस्तानी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बंदे को जो प्रवासी है, जो कमाने के लिए गया था, 15 साल की सजा हो गई। पूरा माजरा क्या है डिटेल से बात करेंगे, आपको भी कुछ सीखने की इसमें जरूरत पड़ेगी ताकि ऐसी घटना आपके साथ न घट सके, आप भी इसके चपेट में ना आ सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एक मिस्र का आदमी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए 5 लाख दुबई दिरहम अपनी बैग में लेके दो बंदों के साथ, जो बिटकॉइन का जो बिजनेस था, ऑफिस था, उस ऑफिस में गए। वहां पे उनको बोलने के लिए कि बैठिए, थोड़ा वेट करिए, अभी ऑफिस का जो मालिक है वो आने वाला है। इतने में 4 बंदे आए निकल के और उनमें से उनके साथ मारपीट करके वो 5 लाख का बैग लेके भाग गए। जी हाँ साथियों, और उन्होंने फिर उनके मारपीट भी होती है, आपको पता है लड़ाई में फिर एक दूसरे को गुस्सा मारना उनके लगी भी, उन्होंने पुलिस को सूचित किया, पुलिस ने उनको पकड़ लिया, यानी दूसरे दिन वो बंदे पकड़े गए। तो इस चोरी का क्या मतलब हुआ जी, बंदे शुक्र है पाकिस्तानी इंडियन नहीं थे, यूक्रेनी थे। जी हाँ, लालच है ना, वो देश नहीं देखता, वो कहीं ना कहीं अपने को फिर कोशिश करता कि हाँ लूट लें 5 लाख, लेकिन उन मूर्खों को कौन समझाए कि यार इतना सा दुबई और पूरा आपको सिस्टम में है, पूरा कैद है, वो बैठे बैठे पुलिस कैमरों से पकड़ देती है, उनको भागने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे निकलते हैं सब जगह उनका कैमरा पीछा करते हैं, सीसीटीवी देखते रहो, स्टेप बाय स्टेप इससे यहाँ से इस रोड से आराम से हाथ आ जाते हैं, अंदाज हो जाता है भाई इस एरिया में वो घूम पहुंच चुके हैं, वहां पुलिस फिर पता आपको लगा ही लेती है। आपको पता है एक इंडियन बंदे दो थे, आपस में दारू पी रहे थे, नशे में एक दूसरे के ऊपर सुसू कर दिया, उसने ले भाई मेरे ऊपर सुसू कर दिया, हालांकि गलती थी लेकिन नशे में थे, हो गया गलती, उसने उसको जब तक उसको भिड़ाता, उसका गर्दन पकड़ के सर पकड़ के जब तक दीवार के पटकता रहा जब तक उसको खत्म नहीं हो गया, 15 साल की सजा हो गई। अब 15 साल वो बंदा मेरे हिसाब से 30-35-40 साल का होगा, 15 साल अंदर, अब बुढ़ापे में हो सकता है 15 साल वो जीवित रहे ही नहीं, पहले ही मर जाए वो। कितने ऐसा क्यों इंडियन आदमी, आप भाई आप वहां पे दुबई में कमाने के लिए यहाँ पे आए हैं, कमाइए, लेकिन ये गलती क्यों कर देते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। ये जानकारी देने का मकसद ये है कि भाई ये जितने भी आप लोग ये जानकारी देखते हैं, हो सकता है आप में से कुछ शराब पीने वाले हो, कुछ अलग सोच वाले बंदे हो, को कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत अगर नॉलेज मिले कि ये अगर हम करेंगे यहाँ पे विदेश की धरती पे तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है, आपसे ज्यादा आपके घर वालों को दिक्कत हो सकती है, तो आप भी सतर्क रहें, बचे और अपने साथियों को भी जरूर बचाएं ताकि आप सुरक्षित रहें तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।